जिस भी ऑफिसर की ये गलती है वो भरपाई करे, वो बच्चे का घर का भरपाई करे और जल्द से जल्द ये डैम तोड़े। नहीं तोड़ने में अगर इसके आगे किसी की जान गया ना, सब औरतें उसके घर में या उसके ऑफिस में चप्पल चप्पल से मारे। ये मैं रिधा रशीद बोल रही हूँ। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने साफ मना कर दिया, ये हमारे अंडर में नहीं आता है। टीएमसी ने साफ मना कर दिया, ये हमारे डिपार्टमेंट में नहीं आता। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा खड़ी मशीन रोड पर डैम में कल शाम में एक समीर नाम के लड़के की डूबकर मौत हो गई थी, जिसके बाद अब अपोजिशन पार्टी यानी बीजेपी के ठाणे शहर अध्यक्ष निरंजन डावखरे, रिदा रशीद, सिकंदर खान और भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खड़ी मशीन डैम का दौरा किया। आपको बता दें कि इस डैम को खूनी डैम भी कहा जाता है, दर्जनों मौतें इस डैम में हो चुकी है। मुंब्रा शहर में पानी की किल्लत खत्म करने के लिए इस डैम को बनाया गया था, मगर शहर में इस डैम से पानी की किल्लत तो दूर नहीं हो पाई, लेकिन एक एक करके दर्जनों मौतें इस डैम ने ले ली। ये डैम शहर के काम तो नहीं आ रहा है, सिर्फ बजट निकाल कर कांटे की तार और दीवार से इस डैम को फिर बनाया गया और दावा किया गया कि अब इस डैम में किसी की जान नहीं जाएगी। यह नतीजा कल एक युवक की जान चली गई। अगर इस दलदल वाले डैम को इस्तेमाल में नहीं लिया जा रहा है तो क्यों नहीं शासन प्रशासन इसे तोड़ दे, इसमें पानी ही जमा ना हो। हालांकि कुछ दिन पहले इस डैम की दीवारों को तोड़ भी दिया गया था, मगर उसे फिर दोबारा बना दिया गया और उसी कीचड़ दलदल वाले डैम में एक युवक की डूबकर कल मौत हो गई। बीजेपी नेता निरंजन डावखरे ने शासन प्रशासन से मांग की है कि यहां इस डैम पर सुरक्षा गार्ड रखा जाए, इसके अलावा डैम की भी सुरक्षा की जाए, कांटे वाले तार लगाए जाएं। इसके अलावा रिदा रशीद, सिकंदर खान ने भी डैम को लेकर निशाना साधा है। सुनिए, इस डैम में जो है अब तक कई लोगों की जानें जा चुकी हैं और फिलहाल जो है ये लगाया गया था कांटे की तार, लेकिन उसके बावजूद तोड़कर इसमें कुछ बच्चे नहाने जाते हैं। तो ऐसा इस डैम को लेकर जो है आप लोग आज यहाँ पर दौरा किए, तो क्या मांगे आप लोगों की? ये डैम जो मुझे बताया गया है कि मुंब्रा में जो बोरवेल है वो बोरवेल रिचार्ज करने के लिए ये डैम बनवाया गया है, पर इसमें जैसे आपने बताया कि यहाँ पे हर बार एक इंसिडेंस हुआ है और यहाँ पे कई मौतें भी हुई हैं, तो इसके लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मांग है कि इस डैम की जो बैरिकेडिंग है वो महानगर पालिका के माध्यम से अगर ये डैम बना है तो तुरंत ही एक अच्छे तरीके की बैरिकेडिंग और सिक्योरिटी बढ़ा के यहाँ पे, कि यहाँ पे आके कोई मौत होने के वजह जो है यहाँ पे आके जो तैरते हैं उसके वजह से, तो उसके लिए मैन पावर और सिक्योरिटी लगा के इसमें रोक लगाई जाए। ये जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है, जो सिक्योरिटी मेजर्स है, वो लेना बहुत ज़रूरी है और हमारी मांग है कि ठाणे महानगर पालिका ने इसमें ध्यान देना ज़रूरी है। नहीं सर, ये डैम जो है काफ़ी सालों से ऐसे बनाकर दिया गया है लेकिन ये काम में नहीं आ रहा है। पिछले साल इसे तोड़ भी दिया गया था लेकिन सर फिर वापस बना दिया गया है इसमें और इसमें जाने जा रही हैं, तो काम में नहीं आ रहा है, तो क्या इस डैम को रखना ज़रूरी है इसमें? मैं महानगर पालिका के आयुक्त से इस बारे में की जानकारी निश्चित ही लूँगा कि अगर ये डैम के माध्यम से बोरवेल जो चार्ज करने हैं, क्योंकि मुंब्रा में हमेशा पानी का इशू रहता है, अगर पानी का इशू लोगों के हित के लिए है तो निश्चित ही इसके बारे में महानगर पालिका ने विचार करना ज़रूरी है। इस डैम को बनाने का असल मकसद ये था कि जो पानी की जो कमी हो रही थी उसको देखते हुए डैम बनाया गया, लेकिन उसकी कोई यहाँ पे जो पानी की जो समस्या है वो यहाँ हल होते दिखाई नहीं दे रही है। डैम सिर्फ ऐसे ही लोगों के एक पिकनिक स्पॉट हो गए हैं। मैं अभी वही आपको बताया कि महानगर पालिका के माध्यम से ये डैम बना है कि फॉरेस्ट के, ये भी एक मालूम ज़रूरी है। और महानगर पालिका ने, महानगर पालिका के माध्यम से जो हमें यहाँ पे बताया गया है कि महानगर पालिका के माध्यम से अगर ये डैम बना है तो यहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर ये आने ज़रूरी है। जहाँ पे आपने बताया कि जो मौतों को कारण है, तो उसके वजह से यहाँ ज़्यादा मैन पावर लगा के लोगों को उस चीज़ों के लिए यहाँ पे टालने की ज़रूरत है। डैम पे आप लोग यहाँ दौरा करने आए थे, क्या वजह थी, क्या पूरा मामला है? देखिए, हम लोग आए कल पता चला कि एक बच्चा 17 साल का बच्चा यहाँ गुजर गया है, तो उसके लिए आज हम लोग भी देखने आए कि वही डैम के बारे में सुना था, डैम कैसा है, क्या बनाया हुआ है। तो आज देख के बहुत अफसोस हुआ है कि इस तरीके से मुंब्रा में काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जो इस तरीके से है, लोगों की जानी गई है,
मैंने सुना है और अपने सोशल मीडिया पे देखा है कि यहाँ के जो लोगों ने मांग की थी कि डैम बनेगा, इतने लोगों को पानी मिलेगा, इतना होगा, लेकिन पानी तो आज तक किसी को नहीं मिला, लेकिन मुमरा के काफ़ी लोगों की जान गई है इसमें। आज मैं सुनना चाहती हूँ उन लोग की वापस से आवाज़। मैं मांग भी करूँगी उन लोग से जिन्होंने इतनी आवाज़ उठाई थी कि पानी मिलेगा। आज जो 17 साल का बच्चा गया है उसके घर को मुनाफा ये लोग पहुँचाएंगे, भरपाई करेंगे जिन्होंने मांग की थी डैम की। और इतने सारे प्रोजेक्ट है जो बंद पड़े हैं, उसमें से ये भी है जो जानलेवा हो रहा है। हॉस्पिटल बंद पड़ा है, यहाँ के रास्ते अधूरे पड़े हैं, यहाँ के पानी अधूरा आ रहा है, यहाँ पर बिजली अधूरा आ रहा है, यहाँ पर ऐसे डैम आधे पड़े हैं जिनकी जान जा रही है। तो यही देखने आए थे और बहुत अफसोस हुआ कि इस तरीके से चीज़ें देख के। तो जी, जैसे डैम जो है ख़तरनाक है, तो इस पर आपकी पार्टी क्या एक्शन लेगी, क्या इस पर करेगी कार्रवाई? हम मांग करेंगे जो बच्चा कल गुजरा है उस पर जो भी यहाँ का अधिकारी होगा, जिसने ये काम कराया होगा, जिसके अंडर में काम हुआ है, उस पर केस बनाया जाए। पहला तो उस पर केस हो, उसके बाद अगर ये डैम पानी नहीं जमा कर पा रहा है या एक दो दिन का पानी हो रहा है तो मुमरा 14 लाख के एरिया को ये पानी बस नहीं होगा, एक दिन का पानी कुछ नहीं होने वाला है। अगर नहीं है नीडेड तो उसको तोड़ा जाए। और मैंने जो सुना है फॉरेस्ट ने लास्ट टाइम ही जब कुछ लोग गुजरे थे इसमें तभी कहा था इसको निकाल दिया जाए, लेकिन बस फंडिंग आया, अभी भी वो तार मारा है। वो तार आपको दिख रहा है, वो तार बचने वाले में से मैं कोई बच्चा भी उसको हटा के जा सकता है, वैसा तार किया गया है। ना ही उसकी हाइट है, ना ही उस पर कुछ काम है, बस फॉर्मेलिटी करके छोड़ दिया गया। जिस भी ऑफिसर की ये गलती है वो भरपाई करे, वो बच्चे का घर का भरपाई करे और जल्द से जल्द ये डैम तोड़े। नहीं तोड़ने में अगर इसके आगे किसी की जान गया ना, सब औरतें उसके घर में या उसके ऑफिस में चप्पल चप्पल से मारी। ये मैं रिधा रशीद बोल रही हूँ, जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करे और बच्चे की भरपाई करे। देखो, इससे जो फायदा उठाने वाले लोग हैं प्रशासन और यहाँ के लोकल, वो लोगों ने अपना इस पे फायदा उठाया है, लेकिन जिनके बच्चे गए हैं, जिनकी माँ की गोद उजड़ी है, उनसे पूछे कि उन पे क्या गुजर रही है। और सबसे बड़ा इसका मसला ये है कि मैंने पहले भी एक लेटर ये डैम के ऊपर दे चुका हूँ और उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में साफ मना कर दिया, ये हमारे अंडर में नहीं आता है। टीएमसी ने साफ मना कर दिया, ये हमारे डिपार्टमेंट में नहीं आता है। तो इस पर सिर्फ ये लोग ने काम किया है और उसके बाद लोगों की जान से खेलने का एक रास्ता बनाया है। बीच में इसको सोशल मीडिया पर बहुत उछाला गया था कि खूनी डैम है, लेकिन जिस तरह से इसमें मौत हो रही है, आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन होगा? फिर प्रशासन होगा, जिसने इसको तकमील दिया है। अगर इसको उन्होंने बनाया है तो इस पर कम से कम वो लोग को हिफाजत भी रखना चाहिए, हिफाजती लोग बिठाना चाहिए। तो शुरू में हमने जब इस पर मांग किया था तो उन्होंने लोग वॉचमैन वगैरह बिठाए थे, लेकिन फिर वो महीने दो महीने के बाद ख़त्म हो गया वो रास्ता। फिर आज एक माँ की गोद उजड़ गई है, तो हमने इसके लिए बड़ों से हमारे बात की है और इसके ऊपर जिसकी भी जो जिसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।